में ज्यादातर स्थानों पर बिजली की आपूर्ति अनिश्चित ही रहती है। अक्सर कई स्थानों में वोल्टेज दोनों दिशाओं में अस्थिर रहता है। ये वोल्टेज में उतार चढ़ाव वहाँ के उपकरणों को काफी नुकसान पहुँचा सकते हैं। जब वोल्टेज नीचे चला जाता है, उपकरण में विद्युत प्रवाह की वृद्धि होती है, जिसके कारण उपकरणों में जलने की संभावना भी बढ़ जाती है। भारत में कई घरों और कार्यालयों में वोल्टेज स्टेबलाइजर्स की मांग आए दिन बढ़ती जा रही है। IID इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के माध्यम से आज आप जानेंगे वोल्टेज स्टेबलाइजर बिजनेस के बारे में। स्टेबलाइजर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि फिक्स वैल्यू की वोल्टेज प्रदान करता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर एक जरूरी उपकरण है। हमारे घर में कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिन्हें कम से कम 240 वोल्ट की सप्लाई की जरूरत होती है, और कुछ कारणवश हमारे घर में अगर सप्लाई 240 वोल्ट से कम आती है तो वह उपकरण ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता। इसलिए उसके लिए स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे घर में आने वाली सप्लाई को 240 वोल्ट पर फिक्स करके उपकरण को 240 वोल्ट की सप्लाई प्रदान करता है। ओवर वोल्टेज आपके घर के इक्विपमेंट को परमानेंट डैमेज कर सकती है, जो ठीक ही नहीं हो सकते। स्टेबलाइजर का इस्तेमाल ज्यादातर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर इत्यादि पर किया जाता है। स्टेबलाइजर का इस्तेमाल पूरे घर की सप्लाई के लिए भी किया जा सकता है और एक किसी खास उपकरण के लिए भी किया जा सकता है। प्रोसेस। सबसे पहले कोर के ऊपर पेपर की पेस्टिंग की जाती है ताकि हाई वोल्टेज की वजह से शॉर्ट सर्किट ना हो, जिसके बाद DMC की रिंग इसके ऊपर और नीचे लगाई जाती है। इसके बाद बाइंडिंग मशीन की मदद से कॉपर की इसके ऊपर बाइंडिंग होती है। जिसके बाद डाइस की मदद से प्रेसिंग मशीन में इसकी प्रेसिंग की जाती है। वार्निश के बाद कॉपर को हार्ड करने के लिए इसे ओवन में रखा जाता है 15 से 30 मिनट के लिए। ओवन से निकालने के बाद इसकी ग्राइंडिंग मशीन के मदद से ग्राइंडिंग की जाती है। 5 KV से ऊपर की कॉइल की बाइंडिंग इस मैनुअल मशीन की मदद से की जाती है। जिसके बाद फिटिंग टेबल में इसकी असेंबलिंग की जाती है। जिसके बाद मोटर, RC, लिमिट स्विच, लिवर, आर्मेचर ऐड करने के बाद असेंबलिंग के लिए भेज दिया जाता है। डीमर के साथ ट्रांसफार्मर की जॉइनिंग की जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए फर्मा में सबसे पहले बाइंडिंग होती है कॉपर की इस बाइंडिंग मशीन की मदद से। बाइंडिंग के बाद ट्रांसफार्मर कोर जो है इसमें भरा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए, जिसके बाद डीमर और ट्रांसफार्मर की जॉइनिंग की जाती है। डीमर और ट्रांसफार्मर की फिटिंग के लिए टैंक्स की जरूरत होती है। टैंक्स के लिए फैब्रिकेशन सेक्शन में वेल्डिंग और ड्रिलिंग का काम होता है। टैंक तैयार होने के बाद इसके अंदर ऑयल डाला जाता है चेक करने के लिए कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा। उसके बाद इसको फाइनल पेंट करके तैयार कर दिया जाता है। टैंक्स के अंदर इसकी असेंबलिंग और वायरिंग की जाती है, जिसके बाद टेस्टिंग सेक्शन में इसकी टेस्टिंग होती है और कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग की जाती है। जिसके बाद टैंक्स के अंदर इसकी फिटिंग की जाती है और इसे फाइनल पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। मशीन्स, वाइंडिंग मशीन, प्रेसिंग मशीन विद डाइस, ओवन, ग्राइंडिंग मशीन पोर्टेबल एंड हैंड ग्राइंडर, वेल्डिंग मशीन, सोल्डर गन, हैंड प्रेस, ड्रिलिंग मशीन, टेस्टिंग पैनल्स। रॉ मटेरियल। वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाने के लिए आपको वायर, कोर, कनेक्टिंग वायर, ट्रांसफार्मर, इंसुलेटर, वोल्ट मीटर, प्लग एंड सॉकेट, फाइबर बॉक्स, एसेसरीज लाइक प्लेट, पेपर इत्यादि की जरूरत होगी। एरिया। इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 2,000 से 2,500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट।
इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन मशीन्स की जरूरत होगी उसकी कॉस्ट लगभग 7-8 लाख रुपए है। वर्किंग कैपिटल मिलाकर आप इस बिजनेस को 15-20 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी सेल पर डिपेंड करती है। अगर आप 5 KV के 50 पीस पर डे के हिसाब से तैयार करते हैं और उसे मार्केट में लगभग 6,000-7,000 पर पीस के हिसाब से सेल करते हैं, तो कन्वर्जन कॉस्ट हटाकर आप इस बिजनेस से 1-1.5 लाख महीने का प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्टाफ रिक्वायर्ड, इस बिजनेस के लिए आपको 4-5 स्किल्ड, 3-4 अनस्किल्ड और 4-5 हेल्पर्स की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिसिटी, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 25-35 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत होगी। मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मार्केट तेजी से बढ़ती जा रही है और इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। इस बिजनेस की मार्केटिंग आप इलेक्ट्रॉनिक फेयर्स के थ्रू कर सकते हैं, साथ ही आप इलेक्ट्रॉनिक रिटेल शॉप्स में अपने प्रोडक्ट को होलसेल में सप्लाई करके भी अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस और पिक्चर्स ऑनलाइन लिस्ट करके भी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। अगर आप भी इस बिजनेस को करना चाहते हैं और इसमें कामयाब होना चाहते हैं, तो इसमें आपका साथ देगा IID, इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आपको किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में पूरा सहयोग करता है। अधिक जानकारी के लिए आप आज ही हमारे कॉन्टैक्ट नंबर email ID के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।